लखनऊ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया ड्रेस रिहर्सल, विधानसभा पर 15 अगस्त को देखते हुए किया गया ड्रेस रिहर्सल। बस्ती से पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार, ईंट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक से की गई थी ठगी। फतेहपुर में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, खाताधारक के साथ हुई धोखाधड़ी। हरदोई में खाना खाने को लेकर हुआ विवाद, चचेरे भाई भतीजे में चली गोली, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने किया ऐलान, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अमिताभ ठाकुर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, में कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। मैनपुरी के गांव टिंडोली में जांच को गई पुलिस से दबंगों ने हाथापाई कर दी। हाथापाई और पुलिस को धमकाने, बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबंग आरोपियों, एक पीएसी के जवान सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ दिनों पहले गांव में एक मामले में पुलिस जांच को पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तत्काल गांव के गिरीश यादव और पीएसी के जवान सहित 6 लोगों को के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। कल शाम को एक प्रकरण में जांच और पूछताछ के लिए दंडाहर की पुलिस गई थी, वो भी जहां पे गई थी वो भी संभवतः पुलिस का कर्मी बताया जा रहा है। उसके द्वारा कुछ वाद विवाद किया गया, पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी, इस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। अपने अनिवार्य सेवानिवृत्त का जिक्र करते हुए अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या 5 साल के दौरान आपको एक भी असल भ्रष्ट आईएएस आईपीएस नहीं मिला। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान जारी कर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गईं, इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी निश्चित रूप से। संभल में बच्चों में पतंग उड़ाने के दौरान कहासुनी हो गई, एक पक्ष के दबंगों ने महिला पर हमला बोलकर घायल कर दिया। घायल महिला का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने रेहाना के द्वारा बच्चों को डांटते पर बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया। घायल महिला का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाने क्षेत्र में खाना खाने के विवाद में चचेरे भाई भतीजों में गोली चल गई। बता दें कि राजेश राठौर के भंडारे में एक भाई खाना खाने गया था, इसी बात से नाराज चचेरे भाइयों ने झगड़ा कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से गोलियां और लाठी डंडे चलने लगे। वहीं इस विवाद में 4 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने राइफल और कारतूस की मदद बरामद किया है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है। ये थाना बेटा गोकुल के मोहिद्दीनपुर गांव में झगड़े की सूचना मिली थी, यहां पुलिस तत्काल पहुंची है और यहां पर देखा गया है कि 2 चचेरे भाई भतीजों में झगड़ा हुआ है। इसमें सर्वेश को चोटें आई हैं, कुछ 1-2 लोगों को और लाठी डंडे की चोट बता रहे हैं। मजरूबों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है चिकित्सा के लिए, और जो तथाकथित आरोपीगण हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। हमें कुछ कारतूस और कंट्री मेड राइफल। फतेहपुर के खाताधारक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि बिना जानकारी के ग्राहक के खाते से हजारों रुपए काटे गए। वहीं बैंक द्वारा ग्राहक को रुपए कटने का संदेश प्राप्त होते ही ग्राहक के होशो हवास गुम हो गए। पीड़ित ग्राहक के बैंक पहुंचने पर मैनेजर द्वारा खाता हैक होने का हवाला दिया गया। 2020 में ग्राहक के खाते से पैसे कटे थे, तभी भी सुनवाई नहीं हुई थी।
मेरा नाम विमलेश कुमार है, मैं तंदुआ निवासी हूँ, थाना सुल्तानपुर घोष। मेरा जो है 2020 में 12 अगस्त को 3600 रुपये कटे थे स्टेट बैंक SBI से खागा से। तो मैंने वहाँ पे जाके उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने कहा किसी कारणवश आपके फ़ोन द्वारा कोई समस्या हुई है। लेकिन सेम ट्रांजेक्शन 2021 में 11 अगस्त को फिर से काटा गया मेरा। मैं आज जो है SBI खागा जब पहुंचा तो मैंने वहां पे मैनेजर साहब को, असिस्टेंट मैनेजर जो थे, मैंने उनको अवगत कराया अपने संबंध इस मामले से, तो उन्होंने बताया कि आपका खाता हैंग कर लिया गया है। ये मेरी एप्लीकेशन है जिसको मैं लेके बस्ती पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ईट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक के मोबाइल पर फर्जी बैंक के ट्रांजैक्शन का मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 3 जालसाजों को कलवारी थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया है। पकड़े गए जालसाजों के पास से 1 बाइक, 2 मोबाइल, 4 ATM, 2 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कई चीजें बरामद की गई है। ठगी का शिकार हो चुके ग्राम खेमऊपुर में ईट भट्टा मालिक को अपनी ठगी का शिकार बनाया। ठेकेदार बनकर जेल में काम करवाने के नाम पर 35 ट्रॉली ईट भेजने की बात की और भट्टा मालिक की मोबाइल पर 6.97 लाख ट्रांसफर के 3 फर्जी मैसेज डालने के बाद फोन किया और अपना कमीशन 2 लाख नगद भट्टा मालिक से वापस ले लिया। वहीं दूसरा मामला लालगंज थाने का लक्ष्मी फिलिंग सेंटर का है, जहां पर ठगों के इस गैंग ने अपने आप को बड़ा ट्रांसपोर्ट बनकर तेल लेने की बात कही। इसके बाद पंप मालिक के मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेजकर खाते में क्रेडिट करने की बात कही और पेट्रोल पंप मालिक से अपने कमीशन का 90,000 रुपये ले लिया और फरार हो गए। जब ईट भट्टा मालिक और पेट्रोल पंप मालिक ने खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को थाने में तहरीर देकर मुकदमा इन लोगों ने दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी और 3 जालसाजों को अरेस्ट भी कर लिया है। हमारे जनपद के साइबर सेल की टीम ने थाना कलवारी और थाना लालगंज की पुलिस के साथ में मिल करके एक ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके 3 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग गोंडा के रहने वाले हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये किसी ईट भट्टा मालिक को या पेट्रोल पंप मालिक को पहले जा करके उससे कहते थे कि मेरे पास ट्रकों का ठेका है या मेरे पास किसी जगह पे इमारत बनाने का ठेका है और मुझे आप 100 ट्राली या 150 ट्राली ईंटा दे दीजिए और मैं आपको पहले ही पेमेंट कर दूंगा। उसका बैंक अकाउंट ले करके जो बैंक ट्रांजेक्शन का एक मैसेज होता है उसको एडिट करके उसके फ़ोन पर डाल देते थे और अक्सर ये कोशिश करते थे कि शनिवार के शाम को ये काम किया जाए ताकि जब बैंक बंद हो जाए। क्योंकि इसके बारे में जब हमें जानकारी हुई, पेट्रोल पंप मालिक और जो ईट भट्टा मालिक हैं जो कलवारी थाना क्षेत्र और लालगंज थाना क्षेत्र रहने वाले हैं, उनकी सूचना के आधार पर फौरन मुकदमा पंजीकृत किया गया और हमारे साइबर सेल की टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इनकी पहचान कर। जौनपुर के शाहगंज में एक ताजिया निर्माता ने दरोगा पर घर में घुसकर ताजिया फाड़ने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय काफी भड़क गया और दरोगा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी होते ही SDM और CO मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। मामला शाहगंज के बादी खास का है, जहाँ ताजिया निर्माता सुब्बन खान ने आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस के एक दरोगा 4-5 सिपाहियों के साथ घर में घुस गया और ताजिया फाड़ दिया। महेश सिंह क्या है, महेश सिंह SI हैं, SI हैं, उन्होंने ताजिया फाड़ दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं फाड़ा है। हालांकि ताजिया जो बनाएगा वो नहीं फाड़ेगा, ये वो अपनी बात को छिपा रहे हैं इस वक्त और ये मीडिया पर आ चुकी है बात। लिहाजा हम अभी SDM महोदय से हमारी बात हो गई, हमने लिखित दे दिया है, उनसे रिसीविंग ले लिया है, उनका दस्तखत ले लिया है, उनके सिग्नेचर ले लिए हैं और सारी बातें हो गई हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि उचित से उचित कार्रवाई जो होगी निलंबित करेंगे। हमारी मांग ये कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसने हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाया है, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। इस वक्त माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी बादरेशन नहीं होना चाहिए, चूंकि इलेक्शन आ रहा है और लोग चाह रहे हैं कि दंगा और फसाद हो, लेकिन हम लोग चूंकि इस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं कि हम लोग झगड़ा और लड़ाई पसंद नहीं करते। शासन में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो है वो थाने के लगभग 100-150 की संख्या में लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग संज्ञान में हैं, हम क्षेत्राधिकारी शाहगंज दोनों थाने के आए और हम लोगों के ये पता चला, लोगों ने बताया कि एक महेश SI हैं, उन वो जो ताजिया बनाने वाले थे उनके घर गए और उनके द्वारा ताजिया फाड़ दिया गया।
और हम लोगों ने उनसे बात किया तो उनका कहना नहीं था, हमने ताजिया नहीं फाड़ा, हमने जो ताजिया बनाने वाले थे चूँकि शासन का निर्देश था ताजिया ना बेचा जाएगा ना बनाया जाएगा, तो हम लोगों को दुकान बंद करवा दी थी, उनका घर बंद करा दिया। बस बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने 8.5 लाख कीमत की 62 गुमशुदा मोबाइल बरामद की है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गुमशुदा मोबाइल मालिकों को अपने कार्यालय पर बुलाकर मोबाइल उनके हाथ में दे दिए। बता दें कि जिले में मोबाइल गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले के सभी थानों पर मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़ी संख्या में लोग दर्ज करा रहे थे। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने सर्विलांस सेल को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सर्विलांस सेल ने गुमशुदा मोबाइल फोन की एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। सर्विलांस सेल की टीम ने गुमशुदा मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, मोबाइल फोन की ईएमआई नंबर को ट्रेस कर गुमशुदा मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। सर्विलांस की टीम ने जो जनपद में कई थाना क्षेत्रों से लोग हमें एप्लीकेशन देते रहते हैं कि उनके फ़ोन बाजार जाते हुए ऑफिस जाते हुए कहीं पर उनकी जेब से गिर गए या उनके घर से चले गए, ऐसे एप्लीकेशनों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की टीम ने उनकी मोबाइल लोकेशन ले करके जब भी वो फ़ोन ऑन हुए तो उनको बरामद करके उनके मालिकों तक वापस भिजवाया है। ऐसे 62 मोबाइल फ़ोन आज अपने उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। इनकी बाज़ार में कीमत 8.5 लाख रुपए है। कोई भी मोबाइल फ़ोन 15 से उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।